नमस्कार, आप सुन रहे हैं स्वदेश लाइव का पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ अनु। आज है 4 नवंबर, तो चलिए आपको बताते हैं कि आज देश भर के अखबारों में क्या कुछ खास है। प्रमुख पृष्ठ की बात करें तो ज्ञानवापी मामले से लेकर एल्विस यादव पर लगे आरोपों को जगह दी गई है। स्वदेश अखबार भोपाल ने शीर्षक दिया, नोएडा की रेव पार्टी में लिया सांप का जहर, एल्विस भी आरोपी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की खबर लगभग सभी अखबारों में देखने को मिली। इसके अलावा नेपाल सहित देश की राजधानी और अन्य हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस करने की खबर को भी प्राथमिकता दी गई है। प्रदूषण को लेकर नवदुनिया ने शीर्षक बनाया, केंद्र सरकार की चेतावनी रही बेअसर, वायु प्रदूषण से दिल्ली की सांस फूली। भूकंप को लेकर पीपुल्स समाचार ने शीर्षक दिया, नेपाल में 6.4 तीव्रता का भूकंप, दिल्ली सहित उत्तर भारत में झटके। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर नजर डालें तो उसमें दैनिक भास्कर की देश विदेश के पृष्ठ पर परमाणु बम की खबर को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें शीर्षक लिखा गया, चीन 5 साल में परमाणु हथियारों की संख्या दोगुनी करेगा, 2049 में सबसे बड़ी सेना। तो वहीं नवदुनिया ने शीर्षक दिया, इटली में तूफान सियारन की चपेट में आकर 5 की मौत। इसके अलावा टूरिज्म से जुड़ी खबर है, जिसमें महादेव की भक्ति संगीत को टूरिज्म का अद्भुत अवसर इस यात्रा को भी छापा गया है। खेल जगत की खबरों को देखें तो दैनिक जागरण ने वर्ल्ड कप की खबर को तरजीह दी है, जिसमें शीर्षक बनाया, वर्ल्ड कप अफगानिस्तान की विजय हैट्रिक, सेमीफाइनल की रेस रोमांचक। तो वहीं नवदुनिया ने भारत को चैंपियन बनाएगा ड्रेसिंग रूम का माहौल, भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल दिख रहा अलग, सभी खिलाड़ी एक दूसरे की सफलता का ले रहे आनंद। हरी भूमि अखबार ने अपने व्यापार के पृष्ठ पर वर्ल्ड फूड इंडिया की खबर को प्राथमिकता दी है, जिसका कल नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में शुभारंभ किया। ये दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इससे पहले 2017 में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। आपको बता दें, इसने शीर्षक बनाया है, जैसे योग को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया, वैसे ही अब मिलेट्स भी पहुंचेंगे। तो वहीं राज एक्सप्रेस ने शीर्षक दिया, खाद्य सुरक्षा को 21वीं सदी में मिल रही चुनौती, प्रधानमंत्री मोदी। तो वहीं दैनिक जागरण ने शीर्षक बनाया, महिलाओं में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लीड करने की क्षमता। साथ ही इसी पन्ने पर एक खबर और है, फिल्मी तड़का के कॉलम में कंगना बोली, भगवान श्री कृष्ण की कृपा रही तो लोकसभा चुनाव लड़ूंगी। इसके अलावा पीपुल्स समाचार ने बहुत ही सुंदर कॉलम आज का इतिहास के नाम से प्रकाशित किया, जिसमें गणितज्ञ शकुंतला देवी के जन्म की जानकारी दी गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया में टाइम्स बिजनेस के पेज पर हेडलाइन बनाई गई है, आपको बता दें, AI टेक रेगुलेशन इन 5 to 6 months, सेज मिनिस्टर। इसमें सूचना और प्रसारण मंत्री चंद्रशेखर की बात कही गई है। संपादकीय पन्नों पर अगर हम नजर डालें तो इसमें आध्यात्मिक विषयों पर सुंदर लेख प्रकाशित हुए। दैनिक भास्कर में पंडित विजय शंकर मेहता की जीने की राह कॉलम में युवा पीढ़ी को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ने के विषय पर लेख प्रकाशित किया गया है। शीर्षक दिया गया, धैर्य पूजा से और शांति परमात्मा से मिलती। और पत्रिका ने हृदय और मन शीर्षक से एक बहुत ही रोमांचक लेख प्रकाशित किया है, जिसमें हृदय और मन को संतुलित रखने के उपाय सुझाए गए हैं। तो आज यानी 4 नवंबर के अखबारों में इतना ही। मैं अनु आपसे लेती हूँ इजाज़त, आप सुनते रहिए स्वदेश लाइव का पॉडकास्ट। नमस्कार।